हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है मेरा सिलबट्टे में पिसी हुई चटनी का व्लॉग। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों। तो चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सिलबट्टे को, मैंने अच्छे से धो लिया है सबसे पहले, और सिल को भी और बट्टे को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। और उसके साथ मैंने यहाँ पर रख ली हैं कुछ लहसुन की कलियाँ, 7-8 ये लहसुन की कलियाँ होंगी। और उसके साथ ही मैंने लिए हैं ये अंगूर। तो अंगूर का जो ये टॉप वाला भाग होता है, जो अंगूर की बेल मतलब जिस पे लगे रहती हैं उस पे चिपका रहता है, तो वो वहाँ से वो थोड़े काले काले से हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनको जो ये काले काले निशान या फिर ऊपर से थोड़ा वो ख़राब होने लगते हैं, तो वह ऊपर ही से ज़्यादातर ख़राब होते हैं अंगूर। तो इनको हम हटा लेंगे ऐसे चाकू की हेल्प से, ऊपर का टॉप हम यहाँ से काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे अंगूर ऐसे करके काट लिए थे, और साथ ही मैंने ली हैं यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ। तो सारे अंगूर एक एक करके मैंने यहाँ पे जितने भी मुझे चाहिए थे मैंने लिए, और उनको एक एक करके यहाँ पे काट के डाला। तो इससे अंगूर चटनी ख़राब नहीं हुई काफ़ी दिन तक। और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं ये 6-7 हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरी तेज़ नहीं थी, तो मैंने इसके साथ एक लाल मिर्च ली है। तो लाल मिर्च ये सूखी हुई है, मैंने इसको भी धो करके ले लिया है, और हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। तो हमको जितना भी सामान चटनी के लिए चाहिए उसको हम पहले अच्छे से धो लेंगे। और इसके साथ ही मैं लूँगी यहाँ पे हरा धनिया। तो हरा धनिया भी मैंने धो करके रख लिया छान के, फिर भी एक आध पत्ती अगर धोने के बाद भी काली काली सी दिखती हैं तो उनको भी हटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने मोटा धनिया लिया है जो मार्केट में मिलता है। अगर आपके पास अपनी क्यारी का या गमलों का धनिया है तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें खुशबू काफ़ी तेज आती है। तो सब कुछ मैंने ले लिया है। अब मैं बट्टे से इन सबको सिल में पीसूंगी। तो मिक्सी, आप चाहे तो चटनी को मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिल बट्टे पे बना रही हूँ। और इसमें हमको पानी वगैरह नहीं डालना है क्योंकि अंगूर काफ़ी रसीले और खट्टे हैं। तो इसमें हमको नींबू डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अंगूर बहुत ही खट्टे हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे अंगूर पीस लूँगी, और इनमें से काफ़ी रस निकल रहा था दोस्तों, तो रस भी काफ़ी बह रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पीसा है यहाँ पे। तो देखिए मैं एक एक करके सारी चटनी पीसती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चटनी में से कितना सारा रस निकल गया, और मैं इसको समेटने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये निकल नहीं रहा था। तो मैंने जो पीसी हुई चटनी थी उसको कटोरी में निकाल दिया, और फिर से जो बची हुई थी उसको पीसना स्टार्ट किया। अगर मैं इसको निकालती नहीं तो फिर इसका पूरा का पूरा रस बह जाता, इसलिए मैंने इसको पहले साइड हटा दिया, फिर आगे का प्रोसेस शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए मेरी लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च और अंगूर सारे पीस चुके हैं। अब है इसमें हरा धनिया डालने की बारी। तो मैं पहले इसको पीसूंगी अच्छे से, और इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो ऐसे हाथ की सहायता से इसको प्रेस करना है और फिर निकालना है दोस्तों सारी चटनी। मैंने इसको साफ हटा लिया है। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। तो हरा धनिया मेरा काफ़ी मोटा था ये, तो जो इसके खराब पत्ते थे मैंने वो हटा दिए थे, और फिर मैंने इसको मोटा रफली चॉप किया इस धनिया को। तो इसमें की जो मेन पत्तियां हैं, जो रस है, उसको हम सारा पीस लेंगे, और बाकी का जो मोटा मोटा बचेगा उसको हम हटा लेंगे और दाल में डाल सकते हैं। तो इसके साथ अब मैं यहाँ से थोड़ा सा धनिया कम कर दूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे लगा कि ये ज़्यादा धनिया है। तो अब मैं इसको पीसना शुरू करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों अगर आपके पास धनिया नहीं है और पुदीना है तो आप पुदीना को डाल करके भी चटनी बना सकते हो, और अगर आपके पास पुदीना और धनिया दोनों हैं तो दोनों की मिक्स चटनी भी काफ़ी टेस्टी होती है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है हरा तो उससे बना सकते हैं चटनी। और यहाँ पे मैं देखिए पुदीना पीस रही हूँ अभी। दोस्तों मेरा ये सिलबट्टा नया है तो इसमें अभी उतने से अच्छे से पीस मतलब वो गैप ग्रिप जो होती है वो बनी नहीं, तो धीरे धीरे हम इसको पीसते जाएंगे
तो इसमें बीच में थोड़ी सी गहराई हो जाती है और फिर ये जो साग मतलब जो रसीली चीज़ें हैं वो गिरती नहीं है उसमें। अगर हम डेली पीसते हैं इसमें तो इसमें बीच में काफ़ी गहरा हो जाता है, तो जैसे देखा होगा आपने पुराने सिलबट्टे जो होते थे वो बीच से गहरे होते थे और फिर इधर उधर से थोड़े ऊंचे से, तो उनमें सा जो भी हम पीसते थे तो वो अटक जाता था। अभी ये नया सिलबट्टा है तो इसमें अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ है ये, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पीसने में। ये खिसक भी रहा है थोड़ा और ग्रिप भी नहीं बन रही है इसकी अच्छे से, तो यहाँ पे मैं इसको बार बार खींच रही थी पीछे कि ये खिसक रहा था बार बार आगे पीछे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे धनिए को पीस लूँगी। अगर इस अगर स्लेब में हमारे थोड़ा सा भी पानी लगा रहता है तो ये खिसकने बैठ जाता है। और मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने हरा धनिया भी अच्छे से पीस लिया है, लेकिन इस हरे धनिया के बाद भी जो मोटा मोटा पार्ट था इसका वो वाला पार्ट पीसा नहीं गया और वो वैसे ही रह गया, क्योंकि ये थोड़ा पका हुआ धनिया था। तो यहाँ पे देखिए जाली सी निकल रही है, तो मैंने इसको पीस करके अच्छे से निचोड़ करके फिर इसको दाल में डाला था और दाल में ये अच्छे से अच्छी खुशबू आ गई थी और अच्छे से पक भी गया था। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में यहाँ पे मेरा हरा धनिया भी पीस चुका है और अब हम इसमें डालेंगे, इसको हटाने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी नमक। तो मेन होता है नमक और चीनी, वो तो मैंने अभी डाला नहीं, तो मैं इसमें अब डालूंगी नमक और चीनी। चीनी मैं लास्ट में डालूंगी जब पूरी चटनी पिस जाएगी। तो दोस्तों इसमें मैंने नमक डाल दिया और पीस दिया है, लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा नमक है तो मैंने इसमें से थोड़ा सा हटा लिया है, तो वो पिसा हुआ नमक काम आ जाएगा, या तो फिर अगर कम हुआ तो मैं इसको बाद में भी यूज कर सकती हूँ। तो अभी मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना ले लिया है और एक बार मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को, और फिर उसके बाद हमारी चटनी बिल्कुल बन के तैयार है। और टेस्टी टेस्टी चटनी आप किसी चीज़ के भी साथ भी खा सकते हो इस चटनी को, और रोटी पराठे और टिफ़िन में देने के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, मेरी हरी चटनी, सिलबट्टे में पिसी हुई हरी चटनी तैयार है। और अब इसको किनारे से हम निकाल लेंगे और ये देखिए थोड़ी सी, ये काफ़ी ज़्यादा चटनी बन गई थी एक बड़ी कटोरी भर की, और हमको इसमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रसीली है, काफ़ी अच्छे से बन गई तैयार हुई है और दरदरी है, एकदम बारीक नहीं है, ये दरदरी सी चटनी बनी है। तो हम इसको निकाल देंगे कटोरी में और इसके बाद आप इसमें नमक भी पीस सकते हो इसी सेम सिलबट्टे में। तो देखिए मेरे यहाँ पे काफ़ी चटनी गिर गई है क्योंकि इसमें गैप ग्रिप नहीं बन रहा था जैसे मैं बता रही हूँ। और इसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटा चम्मच चीनी पीस दूँगी, तो इस पीसी हुई चीनी को भी मैं चटनी में मिक्स कर दूँगी, तो जिससे हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं बनेगी चटनी, फिर खट्टी मीठी चटनी बनेगी क्योंकि ये अंगूर काफ़ी खट्टे हैं। तो इसके साथ मैं यहाँ पे इसको भी स्लैब को भी साफ़ कर दूँगी दोस्तों, और सिलबट्टे को भी इसके बाद धोना होता है तो सिलबट्टे को धो करके भी रख लूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी कमेंट करके बताना, और अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किस किस ने ये चटनी खाई है ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो मैं इस सारी चटनी को अब बड़ी कटोरी में इकट्ठा कर रही हूँ और ये देखिए मेरी चटनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है जैसी चाहिए होती है। तो ये देखिए मेरी चटनी, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अंगूर की चटनी खाई है। तो मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।